चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं ग्राम पंचायत जादरू जो कि प्रथला विधानसभा क्षेत्र से है। और यहाँ पर देखें कि युवा टीम जादरू के द्वारा आज पौधारोपण का एक विशेष अभियान चलाया गया है यहाँ पर, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भी पहुंचेंगे जो स्थानीय के प्रतिनिधि का जोर अजमाइश कर रहे हैं वो पहुंचेंगे। और यहाँ पर मौजूद हैं जो लोग, इन सब एक एक करके जानेंगे कि कितने पौधे और किस किस चीज के पौधे लगाए हैं। कौन बताएंगे सर आप में से? आज मेरा नाम कृष्ण है और हम युवा टीम जागरूक नाम से एक संस्था चलाते हैं, जिसके तहत हमने गांव में ये पार्क बनाया हुआ है। और हमारा लक्ष्य रहता है कि हमारा पेड़ लगाना लक्ष्य नहीं है, हमारा पेड़ लगाने के साथ साथ उसे वृक्ष बनाने का भी लक्ष्य है। हमारी टीम हर साल लगभग 101 के करीब पौधे लगाती है। किस किस चीज के पौधे लगाए हैं? हमने इनमें फलदार में जामुन के और उसके लगाए हैं, अमरूद के, और उसके अलावा हमने पिलकन लगाई है, नीम लगाया है, बड़ लगाया है, पीपल लगाए हैं। कोशिश करिए कि नीम, वो बड़ और पीपल सबसे ज्यादा लगाए हैं हमने, उसी को उसमें देखते हुए हमने त्रिवेणी का पेड़ और लगाया है। सरकार भी कहने लगी फलदार वृक्ष हमेशा ज्यादा ज्यादा लगाए जिससे फल मिले और छाया मिले। देखो फलदार तो है ही है, फलदार में क्योंकि फलदार में दो दो काम हो जाते हैं, छाया भी मिलती है और फल साथ साथ छाया के साथ साथ फल भी मिलते हैं। सर आपने कितने पौधे लगा दिए, अपना परिचय जरूर दीजिएगा। मेरा जी महेश डागर नाम है, युवा टीम से है और अपने जाजरू गांव से है। अपने गांव में ये सबसे मेन जो काम कर किया हम लोगों ने, राष्ट्र ध्वज और भगवा ध्वज का, इससे पूरा हमारा काम अच्छा, चारों इलाकों में अच्छा नाम है गाँव का। और मैंने कम से कम इसमें 15 पेड़ लगाए अपने नाम से। वैसे आप बताएं दीपक डागर जी इसमें क्या योगदान पर इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं? देखो सबसे पहली देखी जाए तो पार्क की शुरुआत ही दीपक डागर जी द्वारा हुई है। जब पार्क का हमने प्रोसेस चालू किया था तो सबसे ज्यादा शुरुआत ही दीपक डागर जी द्वारा हुई है। उन्हीं के द्वारा हमें जेसी मिली और समय समय पर जैसा भी योगदान हमने उनकी सेवा लगाई है, उनकी सेवा मिलती रही है हमें। डागर साहब देखिए चुनाव प्रस्तावित आप सभी से राजनीतिक सवाल भी है, आप इसको कौन बताएंगे? आप बताइए। आज आप बता दी राजनीतिक सवाल आपसे भाई साहब कि ग्राम पंचायत जाजरू अब की बार किसको विधायक देखना चाहती है? स्पष्ट सवाल और स्पष्ट जवाब आपसे भी चाहिए क्योंकि चुनाव नजदीक है। देखो हमारे यहाँ पे तो हमारे दीपक डागर जी हैं, जिसको हमारी पूरी ग्राम जाजरू और युवा टीम और पूरी बिरथला विधानसभा दीपक डागर जी को ही MLA चाहती है। उन्होंने पूरा विकास किया है, पूरे बिरथले हल्के का विकास किया है और आगे करते भी रहेंगे। अभी बनने से पहले उन्होंने इतना विकास कर दिया कि उनकी कोई कहने की बात ही नहीं है, इतना विकास कर चुके हूँ अभी तक। अच्छा आप क्यों चाहते हैं? अच्छा आप इसको आप क्यों चाहते हैं, कौन बने? देखो जी मैंने तो अपने जीवन में जो देखा सबसे 38 साल उम्र होगी, इतने MLA इतने विधायक देखे हैं, तो दीपक डागर को जिस तो मैंने अलग तरीके से देखा, इनको समाज सेवी में देखा मैंने कि इन्होंने इतने कार्य किए हैं समाज सेवी के। आज भी अगर देखी जाए तो इनके कार्यकाल में कम से कम JCB हर गांव में सफाई का विभाग चल रहा है और गांव में पानी की व्यवस्था और अपने का डेवलप किए बच्चों के लिए खेलने के लिए और बच्चों को जागरूक भी किया प्रति उस खेल के प्रति, बहुत अच्छा काम करें दीपक डागर। अच्छा आप लोग सभी देखिए युवा टीम जादरू के मेंबर हैं, क्या चाहते हैं आने वाले विधायक से जो कि अक्टूबर में जो बनकर के आएगा, क्या चाहते हैं? एक तो जादरू के लिए, दूसरा आसपास के इलाके के लिए कि सबसे पहले वो चीज आए जिससे कि लोगों को सीधे तौर पर फायदा मिले, कौन बताएगा आप में से? बताइए। रोजगार मिलना चाहिए सबसे बड़ा, सबसे बड़ा तो जी देखो अगर बनता है दीपक डागर हमारे गांव इधर से प्रथला विधानसभा से तो सबसे ज्यादा जो है रोजगार और बच्चों के लिए भविष्य बनना चाहिए सबसे ज्यादा। चलिए दोस्तों आप सीधे तौर पे ग्राम पंचायत जाजरू साहब मेरे साथ देख भी रहे थे लाइव तस्वीरें और युवा टीम जाजरू इस समय मौजूद है जिसके नेतृत्व में आप ये देखेंगे कि बहुत बड़ा पार्क का यहाँ पर निर्माण हुआ। मुझे लगता है कि आसपास के गांव में इतना बड़ा कोई पार्क शायद नहीं होगा। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, देखिए एक विशाल जो सबसे ऊंचा झंडा लगाया गया, मैं वो तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन हुए और ये सभी एक स्वर में ये कहते हैं यहाँ पर दीपक डागर को आने वाले समय में विधायक के रूप में देखना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने इतने विकास कार्य, इतने बिना विधायक होते उन्होंने इतना काम किया है आसपास के गांवों में प्रथला विधानसभा क्षेत्र में, इसलिए सिर्फ दीपक डागर ही एक विकल्प हो सकता है प्रथला विधानसभा क्षेत्र के लिए। आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।